आज हमारे हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी है, हिंदुस्तान के किसान जागरूक हो चुके हैं। जिस तरीके से भाजपा सरकार अपने पावर का मिसयूज कर रही है, संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, ये सारी जनता देख रही है और आने वाले दिनों में सही नेता को भी चुनेगी, सही निर्णय भी लेगी। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने विंटर सेशन कैंसिल किया, इससे ये साबित होता है कि भाजपा सरकार इस देश को चलाने में नाकामयाब रही है। विंटर सेशन कैंसिल करने का मतलब क्या है? क्योंकि कोविड का मतलब बताया गया, जब बंगाल में आप इसी कोविड सिचुएशन में जब आप बड़ी बड़ी रैलियां कर सकते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स ले सकते हैं, हैदराबाद में चुनाव कर सकते हैं, तो विंटर सेशन क्यों? विंटर सेशन पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे देश के लाखों करोड़ों किसान वहां सिंघू बॉर्डर पर बैठकर अपना दुख, अपनी परेशानी केंद्र सरकार को सुनाना चाहते हैं। लेकिन भाजपा सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले अंग्रेज़ किसानों को दबाया करते थे, हिंदुस्तानियों को दबाया करते थे, उन पर उनको गुलाम बनाया करते थे, उस तरीके से आज भाजपा सरकार हिंदुस्तान के हर वो व्यक्ति को गुलाम बनाना चाहती है। मैं भाजपा सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम नहीं मानेंगे कि आप हिंदुस्तान को मोदीस्तान या फिर अडानिस्तान बनाएंगे या होने नहीं देंगे, क्योंकि इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे खून, बहुत ज़्यादा खून दिया है, बहुत सारा बलिदान दिया है, उसके बाद हमने जाकर ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हम ऐसे सस्ते बिकने नहीं देंगे। मैं आम जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि जागरूक होइए, क्योंकि आपका साथ ज़रूरी है। किसानों को आपके साथ की, आपके साहस की बहुत ज़रूरत है। मैं भाजपा सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आप इस देश को चलाने में नाकामयाब रहे हैं, इसीलिए आप कुर्सी से हट जाएं। सो युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ काम करती आ रही है, किसानों के हक के लिए आवाज़ उठाती आ रही है और आगे भी उठाती रहेगी। जो जो अन्याय भाजपा सरकार इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश के किसानों के साथ, आम नागरिकों के साथ करेगी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस हमेशा से आवाज उठाती आई है और आगे भी उठाती रहेगी। आज यहाँ पे हैदराबाद के इलेक्टेड कमिटी यूथ कांग्रेस के जो हमारे भाई है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, रोहित साहब है, हमारे इंचार्ज
और अनिल अन्ना, हमारे अरविंद अन्ना सज्जन है, और हमारे सम्राट अन्ना, हमारे जो नेशनल कमेटी और यूथ कांग्रेस हैदराबाद कमेटी, ये प्रोग्राम करने का एक ही मकसद है। अभी मोदी साहब को जो पार्लियामेंट सेशन कैंसिल करे उसके अगेंस्ट में हम ये प्रोग्राम करें, और आज के बाद मोदी को राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे बच्चों की यूथ कांग्रेस में जो बच्चे नए इलेक्ट हुए वो उनको ठहरने और कुछ सबक सिखाने के लिए जहाँ तक जाना पड़े, हम या हैदराबाद से दिल्ली आना पड़े तो हम तैयार है, जेल भी जाना पड़ा हम जाने के लिए तैयार है, मगर आज के बाद ये जो गवर्नमेंट इलीगल गवर्नमेंट चला तरीके से जो गवर्नमेंट चला रहे, बिल पास कर रहे, वो सब चीज़ों को लेके हमारा यूथ कांग्रेस बहुत जहाँ तक जाना पड़े वहाँ तक हम जाने के लिए तैयार है।